विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम नमो बुद्धाय। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा स्थापित दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हम हर हफ्ते किसी न किसी ज़रूरतमंद की सहायता हम लोग कर रहे हैं। पिछले महीने भर से हम ये सहायता कर रहे हैं। हम लोगों ने महाराष्ट्र की जो प्रख्यात गायिका हैं सुषमा देवी जी, उनकी हमने सहायता की। पिछले लॉकडाउन से उनकी हालत, आर्थिक हालत ख़राब थी, तो उनकी हमने सहायता की। पिछले हफ्ते हमने ऐसे ही एक परिवार की सहायता की जो पिछले 4 महीने से रोज़गार उनका बंद है, तो उनकी सहायता की। आज ऐसे ही सहायता करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। रात के 2 बजे हैं। आप लोग सोचते होंगे कि रात के 2 बजे मैं किसकी सहायता करने आया हूँ, और मेरे पीछे अगर आप देख रहे हो तो ये मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अब एयरपोर्ट पे ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके लिए मैं रात को 2 बजे यहाँ पर सहायता करने के लिए आया हूँ। दरअसल इस लॉकडाउन जैसे शुरू हुआ उस समय से ही बीड़ में रह रही हमारी रायपुर की एक स्टूडेंट बीड़ में ही फंसी हुई थी। पिछले 4 महीने से जो लॉकडाउन शुरू है उस समय से वो अपनी पढ़ाई वहाँ पर बीड़ में कर रही थी। महाराष्ट्र में बीड़ एक डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला है, और ये डिस्ट्रिक्ट में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही सपना जी वहाँ पर फंसी हुई थी। कई बार उन्होंने अपने घर जाने की कोशिश की, लेकिन लॉकडाउन, जिला बंदी, इस वजह से वो घर नहीं जा पाई। उनका एक पोस्ट, व्हाट्सएप पोस्ट मुझे आई कि वो घर जाना चाहती है। उनके पिताजी भी बीमार है और इन हालात में उनके परिवार को उनकी ज़रूरत है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम सभी एप्लीकेशंस के वेटेज को हम लोग देखते हैं किसको पहले ज़रूरत है, तो हमने देखा कि जितने भी एप्लीकेशंस आ रही थी उसमें हमने इनका एप्लीकेशन सिलेक्ट किया। पिछले 4 महीने से ये बीड़ में वहाँ पर अपना पढ़ाई तो बंद है, लेकिन वहाँ पर फंसी हुई थी। कई बार उन्होंने अपने घर जाने की कोशिश की लेकिन जा नहीं पाई, आर्थिक हालातों की वजह से वो जा नहीं पाई। तो हमने हमारे महाराष्ट्र स्टेट प्रेसिडेंट अविनाश सोनावने जी, इनके सहायता के माध्यम से उन्हें हम बीड़ से अभी वो यहाँ पर पहुँची है। सुबह 6:30 बजे की रायपुर के लिए फ़्लाइट है, ट्रेन बंद है, बस बंद है, कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है, और इसलिए आज ये वही एयरपोर्ट है जहाँ से मैं हमेशा लंदन के लिए जाता हूँ, ऑस्ट्रेलिया जाता हूँ, जापान जाता हूँ, थाईलैंड जाता हूँ। लेकिन मैं सही में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जितनी खुशी मुझे अपने लंदन जाने से, ऑस्ट्रेलिया जाने से, जापान या थाईलैंड जाने से जितनी खुशी मुझे तब नहीं हुई, उतनी खुशी मुझे आज हो रही है कि मैं आज किसी व्यक्ति को अपने परिवार से मिलाने के लिए इस एयरपोर्ट से उनको छोड़ने के लिए आया हूँ। और ये सब मेरा किया कराया नहीं है, ये आप लोग जो संस्था को डोनेट करते हो 100 रुपये से लेकर 10 रुपये से लेकर, जो आप लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी के इस संस्था को आर्थिक सहयोग करते हो, वो हफ्ते भर हम लोग इकट्ठा करते हैं और वो इकट्ठा करके ऐसे किसी नीडी को, ज़रूरतमंद व्यक्ति को हम देते हैं। तो मैं आज आपको उन शख्सियत से, उन व्यक्ति से मिलाना चाहूँगा जिन्हें आज हम उनके घर पर छोड़ रहे हैं। तो सपना जी, ये सपना जी है, ये BDS की, राइट, BDS की ये तैयारी कर रही है और पढ़ाई कर रही है, और वो कई दिनों से, कई महीनों से बीड़ में अपने हॉस्टल में ही फंसी हुई थी, और आज हम उनको अपने घर पर छोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो आप भी अपना जो अनुभव है वो बताइए, क्या हालातों से आप गुजरे हैं, कैसे यहाँ तक कैसे पहुँचे, क्योंकि मैं मेरे माँ से बात कर रहा था तो मेरी माँ मुझे डांट रही थी कि ऐसा जोखिम वाला काम, क्योंकि बीड़ से 450 किलोमीटर दूर मुंबई में हम लोग हैं, वहाँ से एक अकेली बच्ची को यहाँ पर लेकर आना, ये इतना रिस्की काम तूने क्यों लिया। इसलिए मेरी माँ मुझे बहुत डांट रही थी, लेकिन मैंने माँ को समझाया कि अविनाश सोनावने जी के परिवार की गाड़ी है और वो भी उनके साथ है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। और मैं लगातार इनके संपर्क में था, जब से निकली है तब से
मेरी मेरी छोटी बच्ची का जैसे मैं ख्याल रखता हूँ, वैसे मुझे बार बार इनका ख्याल सता रहा था। और मैं अभी रात को 2 बजा है, तो फिर भी मैं 70-80 किलोमीटर ट्रैवल करके खास देखने के लिए आया हूँ कि ये सही सलामत है या नहीं है। तो हम बात करते हैं सपना जी से। सपना जी, आप बताइए। मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी इनको, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। मैं घर नहीं जा पा रही थी, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी, मम्मी पापा नहीं बुला सकते थे और पैसे नहीं थे, तो मैंने इनकी हेल्प ली और इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। तो मैं आज घर जा पा रही हूँ, मम्मी से मिल रही हूँ, और मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ। तुम्हें मुझे तुम्हें सुनते हैं, और मैं उनसे भी आपको मिलाना चाहता हूँ जिन्होंने ये सारा कारवा यहाँ तक लेकर आए। तुम्हें सर जी ने बहुत मदद की कि वो भी यहाँ पर सेफली इस बच्ची को 450 किलोमीटर यहाँ पर ड्राइव करके लेकर आए, जहाँ पर कोई पैसा देने के बावजूद भी कोई गाड़ी देने के लिए तैयार नहीं था। इन हालातों में ई पास तक इन्होंने खुद करवाया, लास्ट मोमेंट पे वो जो कैंसिल हो गया था, फिर हम लोगों ने उसको थोड़ा सा इन्फ्लुएंस लगा के उसको एक्टिवेट किया, उसको वापस से ई पास जारी करवाया। तो बहुत सारी इनकी भी योगदान है। तुम्हें तो कैमरा पकड़ा है नहीं अविनाश जी ने, और मैं आपको हमारे महाराष्ट्र स्टेट प्रेसिडेंट से भी मिलाना चाहूँगा, अविनाश सोनावने जी, जिन्होंने इस सारे ट्रैवल को, इस सारे प्रवास को अंजाम दिया। अविनाश सोनावने जी ये हमारे महाराष्ट्र राज्य के अध्यक्ष हैं, जिनके वजह से ये सारा काम हो पाया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से आप लोग बाबा साहब की संस्था को सहायता करते रहेंगे, और ऐसे ही ज़रूरतमंद लोगों तक आपके दिए हुए जो सहयोग है वो लोगों तक पहुँचाने में आप लोग सहयोग करेंगे। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय भीम। सगळ्यांचा फोटो घेऊ मग आपण। ते फिनिश करायचं होतं, राहू द्या, फिनिश करायचं आहे सर। हे याच्यामध्ये सर रेकॉर्ड ये अभी अपने पिताजी से मिलेंगे सुबह 8-8:30 बजे रायपुर में, अपने पिताजी से मिलेंगे। उनके दोस्त भी वहाँ पर रायपुर तक उनके साथ हैं, उन्होंने ट्रैवल ही इस तरह से अरेंज किया कि रायपुर तक कोई ना कोई साथ हो। वैसे इंडिगो का जो हमारा स्टाफ, जो कार्यकर्ता अंदर है, वो भी अंदर जाके इनके सहायता के लिए वहाँ पर है। तो एक बहुत अंदरूनी खुशी महसूस होती है कि एक बेटी को अपने पिता से हम मिला रहे हैं 4-4.5 महीनों के बाद। उनके घर की हालात, आर्थिक हालात ठीक नहीं थे, और उनके पिताजी भी बीमार थे, तो आज हम उनके पिताजी से उनकी बेटी को मिलाने की ये कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों ने जो सहायता की वो सहायता सारी मिली।